मोहम्मद लुकमान साहब ने एक सवाल पूछे, लिखते हैं मुफ्ती साहब, क्या रात को सोने से पहले दिन भर में किए हुए नेक अमाल का इसाले सवाब कर सकते हैं? जी मोहतरम, सिर्फ उस दिन के नेक अमाल ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी में किए हुए नेक अमाल का इसाले सवाब कर सकते हैं, क्योंकि इसाले सवाब करने से अपना कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है कि जितने लोगों को इसाले सवाब करेंगे उन सब के बराबर सवाब मिलेगा। मसलन किसी शख्स ने एक कुरान पाक का सवाब 10 अफराद को इसाल किया, अब उसके पास एक कुरान पाक का सवाब है मगर 10 अफराद को इसाले सवाब करने की वजह से उसे मज़ीद 10 कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों का ख़जाना ख़त्म हो सकता है लेकिन हमारे रब का ख़जाना ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि बुख़ल हम लोग करते हैं, अल्लाह पाक तो अता फरमाने वाला है। अच्छा, अगला सवाल इन्होंने ही पूछा, लिखते हैं मुफ्ती साहब, क्या फौजशुदा अफराद के लिए नफिल नमाज पढ़ना और उन्हें इसका सवाब पहुँचाना जायज़ है या नहीं? कहीं ये शिर्क व बिदअत तो नहीं? जनाब, जिंदा मुर्दा दोनों को इसाले सवाब कर सकते हैं, क्योंकि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो ज़ाहरी पर्दा फरमाने के बावजूद भी जिंदा हैं, जब हम उन्हें महबूब की बारगाह में सवाब हदिया कर सकते हैं तो अपने फौजशुदा अफराद को क्यों नहीं कर सकते? फौजशुदा अफराद को अपनी फ़र्ज या नफिल नमाजें बल्कि हर तरह की नेकी का इसाले सवाब कर सकते हैं, अलबत्ता काफिर को इसाले सवाब नहीं कर सकते।